नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के गेट पर आर्य नगर विधानसभा के सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी और कैंट विधानसभा के सपा विधायक हसन रूमी ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ भ्रष्टाचार के आरोपी कुलपति विनय पाठक पर सरकार का संरक्षण मिलने के विरोध में धरना दिया। विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कुलपति विनय पाठक की फोटो के ऊपर नोटों की माला चढ़ाई और आगे खड़ाव रखकर मखौल उड़ाया कि कानपुर और आगरा विश्वविद्यालय उनकी खड़ाव के सहारे चल रहे हैं, जबकि कुलपति विनय पाठक भ्रष्टाचार के मामले में फरार हैं। आपको बता दें कि वर्तमान कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक के पास कानपुर और आगरा दोनों विश्वविद्यालय का चार्ज है और इन पर अति गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। कुलपति पर लखनऊ के इंदिरा नगर थाने में करोड़ों रुपए कई शासकीय धन के दुरुपयोग का मामला दर्ज है। इस मामले की जांच पार्टी द्वारा की जा रही है। लखनऊ के शिक्षण संस्थान AKTU में कुलपति के पद पर रहते हुए जिन्होंने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया था, सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल को कुलपति विनय पाठक के तत्काल निलंबन और गिरफ्तारी की मांग करते हुए ज्ञापन दिया। यह ज्ञापन कल्याणपुर के ADCP लखन सिंह यादव ने लिया। अमिताभ वाजपेयी, सपा विधायक, संवाददाता अजय, पत्रकार की खास रिपोर्ट। देखिए, हमारे कानपुर के एक गौरवशाली इतिहास है। हमारे प्रोफेसर विनय पाठक जो कानपुर विश्वविद्यालय कुलपति भी हैं, आगरा कुलपति भी हैं, कई विश्वविद्यालय कुलपति रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने हजारों करोड़ का घोटाला किया, उन पर पुलिस का मुकदमा दर्ज हुआ, उनके सहयोगी जेल गए, पर आज 2.5 महीना हो गया पुलिस उनको ढूंढ नहीं पाई, और वो फरार भी हैं, और उनकी तनख्वाह आ रही है। आप देख सकते हैं उनकी सैलरी स्लिप सामने लगी हुई, उनकी तनख्वाह फिर भी आ रही है, उनके काम उनकी खड़ाई कर रही है। तो ऐसे महान व्यक्ति जिसकी डिग्री भी फर्जी है, उसके बाद भी अनेकों अनेक विश्वविद्यालय कुलपति बने, हजारों करोड़ का घोटाला किया और फिर भी पकड़े नहीं गए, और ऊपर से उनकी जाँच उनको बचाने के लिए CBI को दी जा रही है। तो ऐसी महान व्यक्ति तो हम लोग बीच में कम ही होते हैं, इसलिए हम लोग आज उनके खड़ाई रख करके उनका पूजन कर रहे हैं, नोटों की माला से उनका सम्मान कर रहे हैं, और हम लोग कामना करते हैं कि सारे विश्वविद्यालयों कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक जैसे हो जाए, ताकि हमारे आने वाला भविष्य पूरी तरीके से अंधकारमय हो जाए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।